आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले लुटेरे गैंग को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हफ्ते पहले स्पोर्ट्स बाइक से आए दो बदमाशों ने घर के बाहर टहल रही महिला का मंगलसूत्र लूट कर फरार हो गए थे। आरोपी चलती बाइक से ही महिलाओं के गले से चेन व मंगलसूत्र लूट कर फरार हो जाते थे। लूट के लिए इन दोनों आरोपियों ने 200 सीसी की बाइक भी खरीदी थी ताकि वह पकड़ में नहीं आ सके। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने का मंगलसूत्र, सोने का लॉकेट, चेन और घटना में प्रयुक्त 200 सीसी की केटीएम बाइक बरामद की है। आरोपी ट्रेवलर्स का काम भी करते हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने लुटेरी गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 200 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक से फिल्म धूम की तर्ज पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। दरअसल इंदौर के सूर्यदेव नगर में 4 दिन पहले एक लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर आने के बाद क्षेत्र सैकड़ों कैमरों पर डाटा निकालते हुए दो आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों से बाइक भी बरामद हुई है। दोनों सनावत के रहने वाले हैं। तेजी से भागने के लिए उन्होंने 200 सीसी की बाइक खरीदी थी। पुलिस के मुताबिक 24 दिसंबर की दोपहर सूर्यदेव नगर में घर के बाहर खड़ी महिला की बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन लूट ली थी। आरोपी अपनी बाइक सहित सीसीटीवी में विदुर नगर, अहिरखेड़ी और फिर चंदन नगर इलाके से जाते दिखाई दिए। पुलिस ने फुटेज देखे तो बाइक बड़ी कंपनी की थी। इलाके में उक्त बाइक रखने वाले बदमाश को खंगाला गया। इलाके में करीब 12 के लगभग बाइक ऐसी मिली। इसी बीच शहर में हाईवे पर जाने वाले रास्तों में फुटेज पुलिस के पास पहुंचे। इसमें आरोपी नीलेश मस्करा और सागर गुप्ता की पहचान हो गई। पुलिस दोनों के पीछे सनावत तक पहुंची। यहां से बाइक सहित पकड़कर दोनों को इंदौर लेकर आ गई। आरोपियों के कब्जे से पुलिस सोने का मंगलसूत्र, सोने का लॉकेट, चेन और घटना में प्रयुक्त 200 सीसी की केटीएम बाइक बरामद की है। पुलिस दोनों आरोपियों के इंदौर लेकर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों आरोपी ट्रेवलर्स का काम करते हैं और अब तक 3 वारदातें कबूली है, जिसमें राजेंद्र नगर, जूनी इंदौर, भंवरकुआं और अन्नपूर्णा इलाके में भी वारदात करना बताई जा रही है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जल्द भागने के लिए 200 सीसी की बाइक भंवरकुआं थाना क्षेत्र से चुराई थी, जिससे वह चंद मिनटों में लोगों की आंखों से ओझल हो जाते थे। फिलहाल आरोपियों से और लूट के मामले में पूछताछ की जा रही है। 24 दिसंबर को थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में एक महिला से मंगलसूत्र स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। महिलाओं के साथ वारदातों को लेकर पुलिस न केवल चिंतित रहती है बल्कि अति संवेदनशीलता और अति गंभीरता के साथ काम करती है। इसी कारण इस घटना को चुनौती लेते हुए एडिशनल सीपी डीसीपी एडिशनल डीसीपी श्री राजेश व्यास के नेतृत्व में एसीपी श्री परियार साहब के साथ थाना द्वारकापुरी की टीम इस मंगलसूत्र स्नैचिंग घटना के लिए लगाई गई थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते दो युवक एक मोटरसाइकिल पर मंगलसूत्र स्नैचिंग करते हुए दिख रहे थे। घटनास्थल से लेकर पुलिस के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ मिले उनको फॉलो किया और फॉलो करते करते 28 तारीख को सिमरौल थाना क्षेत्र तक पुलिस पहुँची और वहाँ पर जो संदेहियों के हुलिये दिख रहे थे उसके आधार पर आसपास से पूछताछ करते पता करते दो युवकों नीलेश मस्करा और सागर गुप्ता को पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया उठाया और उनसे घंटों तक पूछताछ की। पहले वो घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं होना बता रहे थे। पुलिस ने जो पुलिस के पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे उनके साथ उनकी लोकेशन के साथ जब उनको क्रॉस किया, इंटरोगेट किया तो दोनों युवक टूट गए और उन्होंने 24 दिसंबर को थाना द्वारकापुरी में महिला के साथ मंगलसूत्र छीनने की घटना को स्वीकार किया।
जिस मोटरसाइकिल से घटना की गई थी वह मोटरसाइकिल भी लगभग 3 माह पहले भमरकुआ थाना क्षेत्र से चोरी होना और उनके द्वारा चुराना बताया गया। चूँकि आरोपी पहले भी लूट के अपराधों में शामिल रहे हैं तो पश्चिम क्षेत्र पुराने समय के पश्चिम क्षेत्र के 3 थानों राजेंद्रनगर, जूनी और भमरकुआ, राजेंद्रनगर अन्नपूर्णा में 30 अक्टूबर को, थाना राजेंद्रनगर में 4 दिसंबर को, थाना जूनी में 13 दिसंबर को भी चैन स्नैचिंग की वारदात घटित हुई थी। जब इनसे उन घटनाओं के बारे में पूछताछ किया और इनकी लोकेशन निकाली गई तो इनकी लोकेशन घटना दिनांक को घटना स्थल के आसपास आई और इस लोकेशन के साथ जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अन्नपूर्णा, राजेंद्रनगर और जूनी की घटना भी चैन स्नैचिंग करना स्वीकार किया। थाना राजेंद्रनगर की घटना में एक अन्य आरोपी रितेश भी शामिल था जो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी पर मेरे द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। 2 सातिर चैन स्नैचरों को पकड़कर उनके कब्जे से 4 चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले